सुख में सभी भागीदार होंगे, लेकिन जो दुख में भी आपका साथ देते हैं वही सच्चे साथी कहे जा सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सपने भी देखना जरूरी होता है, क्योंकि तभी मनुष्य के मन में उन्हें पूरा करने का साहस आता है। सपने देखते ही तो उन्हें पूरा करने का प्रयास भी करें। केवल सपने देखते रहने और क्रम नहीं करने पर कुछ भी नहीं मिलेगा। कई रास्तों पर चलने से अच्छा है एक ही रास्ते पर आगे बढ़ा जाए। या तो कुछ पा लोगे या कुछ सीख जाओगे। दो राहों पर खड़े रहने से अच्छा है एक रास्ते को चुनो और दूर तक बस उसी पर चलते जाओ। यदि आप स्वयं पर विजय पा सकते हैं तो आप किसी भी चीज़ पर आसानी से विजय पा सकते हैं। सफल व्यक्ति बोलते कम है और सुनते ज़्यादा है, क्योंकि खुद के विचार तो वे जानते ही है। कलयुग में बुराई और अच्छाई एक ही मनुष्य में निवास करती है, इसलिए अपने मन पर नियंत्रण रखना सीख लिया तो बहुत कुछ प्राप्त कर लोगे। सभी का साथ जरूरी नहीं होता है, बस कुछ को अपना बना लिया जाए वही काफ़ी होता है। माना कि गलतियां हो जाती है हर किसी से, लेकिन जो दिल बड़ा रखकर उन्हें माफ़ कर दे तो यह आपको ही बड़ा बनाएगी। आप सफल होंगे या नहीं यह पूर्ण रूप से आपकी सोच पर ही निर्भर करेगा। चीज़ों को सकारात्मक रूप से लेंगे तो अवश्य ही सब कुछ अपने आप ही अच्छा होने लग जाएगा। यदि आप सामने वाले में बुराई ढूंढेंगे तो आपको हमेशा उसमें बुराई ही नजर आएगी। मेहनत करना कभी ना छोड़ें, क्योंकि क्या पता आपके भाग्य में मेहनत के बल पर ही कुछ पाना लिखा हो। असली सपने वे होते हैं जो आपको सोने तक ना दे, ना कि आप उन्हें देखकर चैन की नींद सो जाए। दोस्ती वो नहीं जो समय के साथ बदल जाती है, बल्कि ये तो समय के साथ और मजबूत होते चली जाती है। जिसे आना होगा वे अपने आप आ जाएगा। बेवजह में उनकी प्रतीक्षा कर अपना समय बर्बाद ना करें। एक बार आप सफल तो हो जाए, जो छोड़ गए हैं वे भी लौट आएंगे। सबका अपना अपना है, सूरज के सामने दीपक कुछ ना सही, अंधेर में वो अपना दम भरता है। आग भी क्या अनमोल चीज़ है, कभी कभी बातों से भी लग जाती है जो खुशहाल जीवन को तबाह कर जाती है। हमें सुख नहीं मिल सकता यदि विश्वास किन्हीं और चीज़ों में करें और अमल किन्हीं और चीज़ों पर। रिश्ता अक्सर वही लाजवाब होता है जो जमाने की मजबूरियों से नहीं दिल के जज्बातों से जन्मा हो। मत झुको किसी के सामने इतना भी कि वो आपको तोड़ दे, और मत अकड़ो इतना भी कि खुद ही टूट जाओ। माचिस किसी दूसरी चीज़ को जलाने से पहले खुद को जलाती है। गुस्सा भी एक माचिस की तरह है, ये दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करता है।